पहले दुआ करते हैं मौलावर साहब जी, दुआ करते हैं। एक तो तुर्की में बड़ा शदीद जलजिला आया है और सीरिया और तुर्किया, उसके लिए दुआ करना है। और दूसरा परवेज मुशर्रफ साहब जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे उनको, ठीक ठीक है जी, आप लोग जब नहीं मानते हैं तो मैं कैसे जी। तो मुश्ताक साहब आप दुआ करें, ये जो तुर्की में जलजला है जी तुर्की के लिए। मिस्टर चेयरमैन, मैं तुर्की और शाम और दूसरे ममालिक में जो जलजला आया है उसके लिए दुआ करूंगा, परवेज मुशर्रफ के लिए नहीं करूंगा जी। और आप बताएं, सना भी कोई बता रही है उसके जी। एक मिनट जी, सना क्या चेयरमैन साहब अगर दुआ करने दें तो फिर उसको नहीं, एक अल्फाज बोलना है कि तुर्की वो वाहिद कंट्री है जो 2005 के हमारे अर्थक्वेक, 2010 के सैलाब, 2011 के फ्लड्स, 2023 के सैलाब, उन्होंने हमारा साथ दिया है। तो इस हाउस से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हुकूमत पाकिस्तान फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे अपने मेडिकल रिलीफ एड्स, अपनी पूरी टीम और गवर्नमेंट विजिट करे विद दुआ, और हम रेजोल्यूशन भी हाउस में ला रहे हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन अगर जी सर, इस मुशर्रफ के लिए दुआ करने में क्या हर्ज है? मैं बताता हूँ इस हाउस में, मिस्टर चेयरमैन मैं बताता हूँ, मेरी गुजारिश दुआ करें, मेरी गुजारिश सुन लें, गुजारिश सुन लें जी जी, सुन लेते हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन क्या कहना चाहते हैं? सर दुआ तो हम नहीं कर रहे हैं, आप लोगों ने कह दिया हाउस में जो हमारे टीम में जो कह रहे हैं। सर देखें, जब कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है, जब कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है तो मामला उसके और उसके रब के दरमियान होता है। बाकी जो टेन्योर उनका गुजरा है उस पर आप यहाँ बहस करें कुछ करें, मगर भाई से तो मुसलमान, भाई से तो इंसान, हमारा फर्ज है कि हम जो भी इस जाने पाने तो करें उसके लिए दुआ करें। और ये जो रवैये हैं, मैं समझता हूँ आप तशरीफ रखें, मेरी सिर्फ इतनी, मैंने पहले अपोजिशन लीडर साहब गुजारिश की क्योंकि पाकिस्तान के सदर मर गए थे, लेकिन अब सारे हुकूमत कहते हैं नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ जी। मुश्ताक साहब आप दुआ करें तुर्की और मिस्टर चेयरमैन, मैं तुर्की मिस्टर चेयरमैन एक मिनट मुझे आप बाद में कर ले, एक मिनट मुझे दीजिए। मैं तुर्की के लिए देखें, एक होता है इनफिरादी गुना, एक होता है तशरीफ रखे ना जी, आप तशरीफ रखे जी, एक होते हैं इनफिरादी, ठीक है जी, बस आप दुआ करें। मुश्ताक साहब इज्तिमाई गुना माफ नहीं होते, उसने कौम के साथ साहब आप गुनाह और उसके फैसला ना करें, सर्टिफाइड गद्दार है, चले आप उसका फैसला ना करें जी, आप दुआ सर बिस्मिल्लाह करें जी जी प्लीज जी। नहीं, परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ नहीं होगी, परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ नहीं होगी सर, आप जी परवेज मुशर्रफ के लिए कोई दुआ नहीं होगी, ठीक है। नहीं, परवेज मुशर्रफ के लिए, परवेज मुशर्रफ ने आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आग उसकी वजह से दो दफा आईन तोड़ा है, अदलिया पर आप तकरीर ना करें, वो इज्तिमाई गुनाह है। आप दुआ करें मुश्ताक साहब, ऑनरेबल सेनेटर मुश्ताक साहब उसको दुआ करने दें तुर्की के लिए जी, तुर्की शाम के मुसलमानों के लिए, और दुआ करें मुश्ताक साहब, तकरीर ना करें, दुआ करें, परवेज मुशर्रफ के लिए नहीं है। दरूद शरीफ पढ़ें, दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम अला अब्दिका व रसूलिका व हबीबिका सैयदना मुहम्मद नबी अल उम्मी व अला आलिही व असहाबिही व बारिक वसल्लम। इलाहुल आलमीन, जो हालिया जलजला आया है और इसमें जितने लोग शहीद हो चुके हैं शाम में तुर्की में, इलाहुल आलमीन सबकी माफ़िरत फरमा, आमीन। इलाहुल आलमीन सबकी शहादतों को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन जितने लोग जख्मी हैं, इलाहुल आलमीन उनको शिफाए आजिला कामिला अता फरमा, आमीन। इलाहुल आलमीन तुर्की और शाम और दीगर ममालिक में जितने लोग इस हादसे के अंदर शहीद हो चुके हैं, वफात पा चुके हैं, जाँ बहक हो चुके हैं, उनके लवाहिकीन को, उनके पसमानदगान को, उनके रिश्तेदारों को इलाहुल आलमीन बेहतरीन सब्र की तौफीक दे, आमीन। इलाहुल आलमीन शाम की हिफाजत फरमा, इलाहुल आलमीन तुर्की की हिफाजत फरमा, इलाहुल आलमीन, इलाहुल आलमीन आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, इलाहुल आलमीन जितने भी लोग इस दुनिया में इस जलजले से गए हैं सबके पसमानदगान को सब्र की तौफीक दे। इलाहुल आलमीन आलम इंसानियत की हिफाजत फरमा, इलाहुल आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, और इंसानों को, मुसलमानों को इलाहुल आलमीन अर्जी और समावी आफात से अपनी हिफाजत में ले ले। अल्लाहुम्मा फिरहुम वरहमहुम वला तुअज्जिबहुम वअस्किनहुम फिल जन्ना बिहुर्मति ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सर एक मिनट, मैं पहले ओत रजा साहब अगर दे दूं
ओथ दे दूं जी, नए हमारे जो आए हैं सर, मैं ओथ अगर दे दूं फिर सर, ओथ के बाद कर लें हम सर, ओथ के बाद एक मिनट का आप तशरीफ रखें, आपको देता हूं चांडियो साहब। नावे चेयरमैन, मुझे बड़े अफसोस हुआ कि हम इस हद तक चले गए हैं कि हम इस दुनिया से जाने वाले एक शख्स के लिए भी दुआ से भी गए। मैं समझता हूं कि हमारा भाई से तरह मुसलमान और इंसान जी सर, हमें परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ करनी है और हम उनके लिए दुआ करेंगे, जो उसमें शामिल होना चाहता है मेरी गुजारिश है कि वो उसमें शामिल हो। सर, दुआ एक की होती है, बाकी नहीं मानते हैं। हमारी दुआ है कि वो इस जाने फानी से कूच कर गए, अल्लाह ताला उनके मामलात में आसानी फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। जनाब चेयरमैन सर, होगी जनाब चेयरमैन जी सर, तशरीफ रखें जनाब। ये जो डिक्टेटर कहते हैं, आज तशरीफ रखें, सब तशरीफ रखें प्लीज। आज आप डिक्टेटर, आप भी तशरीफ रखें प्लीज, मेरी गुजारिश है आप लोग तशरीफ रखें प्लीज जी। आज आप डिक्टेटरशिप देख लें कि ये फैसला सादर हुआ कि किसी के लिए दुआ भी नहीं होगी। जनाब चेयरमैन, आइन की बात करते हैं, मौजे जराकीन अपनी निशस्तों पे तशरीफ रखे प्लीज, बहुत मेहरबानी। मुल्क के सिविलियन डिक्टेटर्स भी हमने देखे, जमहूरियत जो है वो रवैयों में होती है। इनसे पूछें कि आज जो जो ख्वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं ये किसके दौर में आई थी, जो बलदियाती निजाम मजबूती से इस मुल्क में आया वो किसके दौर में आया था। छोट ये इदारे, स्टील मिल जैसा इदारा जिसको आपने तबाह और बर्बाद किया वो किसके दौर में मुनाफा बख्श हुआ। इजहारे राय पर जो आपके हालात हैं, मीडिया की आजादी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आजादी वो किसके दौर में हुई थी। और सबसे अहम, जो सबसे बड़ा मैं समझता हूं गलती परवेज मुशर्रफ से हुई थी, वो कि इन दो जमातों को उसने NRO 2 दिया था, NRO 1 दिया था। NRO देने की जो गलती परवेज मुशर्रफ से हुई थी, यकीनन उसका सबब यह है कि आज भी यह मुल्क उस गलती को भुगत रहा है और उसी NRO के बाद आज NRO 2। सर, मीठा मीठा हापक, कड़वा कड़वा थू थू। NRO लेते हुए मुशर्रफ अच्छा था, उससे काली पट्टियां बांधकर ओथ लेते रहे। और आज जो है ये कहते हैं कि हम फातिहा भी नहीं पढ़ते। सर, ये है रवैया इनके। आइन की बात करते हैं सर, आइन की बात करते हैं। चाहे सर, फिर देते हैं मौका। सर, मुझे बताएं, मौका देता हूं सर, मुझे बताएं कि आज आइन कहां है, आज कहां है आइन। सर, करने दें तकरीर, आपको देता हूं ना मौका जी, आप इसके बाद आप कर लें, आपकी रजा साहब को देते हैं, इसके बाद वो बता देंगे। आप बैठें जी, मुझे तशरीफ रखें जनाब, तशरीफ रखें। मुझे बताएं कि आज आइन, थोड़ा साहब आपको देता हूं मौका, आज बैठें जी। आज तो हमें ये सुनाते हैं, आज तो तकरीरों में ये कहते हैं कि जो मौरूसियत है वो जमहूरियत है, ये सबक दे रहे हैं कि यानी हुक्मरान खानदान और अशराफिया एक तरफ और पाकिस्तान के अवाम और राया एक तरफ। और बात करते हैं आइन की, आइन तो कुछ और कहता है, आइन तो ये कहता है सर, आइन तो आप उसके बाद अपनी बात कर लेना जी जी। आइन ये बात करते हैं मौरूसी सियासत।